एक समय की बात है, सूरज की किरणों से एक छोटी सी बूंद स्वर्ग से धरती पर गिरती है और उस बूंद से निकला एक सुनहरा जादुई फूल। उसकी खासियत यह थी कि वो किसी भी जख्मी या मरीज को ठीक कर सकता था। हजारों साल बीत गए और इस नदी के किनारे एक राज्य बस गया। उस राज्य के महाराजा और महारानी को सारी प्रजा बहुत प्यार करती थी और महारानी माँ बनने वाली थी, लेकिन उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। अब उन्हें कोई वैद्य नहीं बचा सकते और सभी चाहते थे कि कोई चमत्कार हो जाए। चमत्कार उसी फूल से होता और सभी उस फूल को ढूंढने लग जाते हैं। इस बुढ़िया का नाम है मदर गोथल। इसने अपनी जवानी को हजारों सालों तक बचाकर रखने के लिए उस फूल का इस्तेमाल करती आ रही है और इसने अब तक ये बात किसी को बताई भी नहीं है। वो एक जादुई मंत्र गाती है और वो फूल खिलकर उसे जवान बना देता है, लेकिन राजा का सिपाही उस फूल तक पहुंच जाता है और उसे महल ले जाया जाता है। पानी में मिलाकर उसे रानी को पिलाते हैं। उस सुनहरे फूल ने रानी को ठीक कर दिया और रानी को एक बहुत ही सुंदर बेटी होती है जिसके रेशमी सुनहरे बाल थे और उसका नाम है रपंजल। रपंजल के जन्मदिन पर राजा और रानी एक लालटेन छोड़ते हैं। वो दोनों बहुत खुश थे, लेकिन रात के समय में वही बूढ़ी औरत महल में आती है और रानी की बेटी के बालों को पकड़कर वही मंत्र पढ़ने लगती है। उस बुढ़िया को पता चलता है कि रानी के बेटी के बालों में वही शक्ति है। जब वो महल आकर उसके बाल काटती है तो वो काले रंग में बदल जाता है, जिनमें कोई शक्ति नहीं थी। वो बुढ़िया राजकुमारी को लेकर भाग जाती है। सिपाही और राज्य के सभी लोग राजकुमारी को हर जगह ढूंढते हैं, लेकिन राजकुमारी कहीं नहीं मिलती, क्योंकि बहुत दूर जंगल में एक ऊंचे मीनार पर गोथल रपंजल को अपनी बेटी की तरह पाल रही थी। इस बार भी गोथेल को एक चलती फिरती फूल मिल गई थी जो कभी उसे बाहर मीनार से नीचे भी नहीं जाने देती, कभी भी नहीं। लेकिन इस मीनार के दीवारें हर चीज को नहीं छिपा सकती थी। वो देखती है कि आसमान में कई सारे तारे एक साथ ऊपर जा रहे हैं, लेकिन वो तारे नहीं होते, वो वही कैंडल होते हैं जो हर साल राजकुमारी के जन्मदिन पर राजा और रानी ही नहीं बल्कि राजा की पूरी प्रजा कैंडल छोड़ती थी, इस उम्मीद में कि राजकुमारी एक दिन जरूर लौट कर आएगी। कई साल बीत जाते हैं। हम देखते हैं कि रपंजल बड़ी हो गई है और खूबसूरत भी। उसका एक दोस्त है गिरगिट, जिसका नाम है पास्कल, जो वो दोनों अकेले उस मीनार में खेल रहे थे। अगले दिन हमें तीन चोर को दिखाया जाता है जो राजकुमारी का ताज चुरा लेते हैं और वहां से भाग जाते हैं। राजा के सिपाही उनका पीछा करते हैं और राइडर अपने दोनों साथियों को धोखा देकर भाग जाता है। रपंजल अपने जन्मदिन पर मदर गोथल से विनती करती है कि बाहर उन तारों को करीब से देखना चाहती हूँ, सिर्फ एक बार, लेकिन मदर गोथल उसे हर बार मना करती है। फिर राइडर सिपाहियों से बचने के लिए उस मीनार तक पहुँच जाता है, लेकिन रपंजल उसे एक तावा देती है। राइडर बेहोश हो जाता है। उतने में वहां पर मदर गोथल आ जाती है। रपंजल अपने बालों के सहारे से गोथल को मीनार के ऊपर लाती है। वो गोथल से अपने जन्मदिन पर उड़ते हुए तारों को देखने की बजाय उससे पेंट लाने को कहती है। गोथल कहती है, मुझे ये पेंट बहुत दूर से लाने पड़ेंगे और तीन दिन लग जाएंगे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं ले आती हूँ, क्योंकि वो खुद रपंजल को बाहर भेजना नहीं चाहती। गोथल पेंट्स लेने चली जाती है और राइडर को होश आता है तो वो खुद को एक कुर्सी में बालों से बंधा पाता है और रपंजल को बताता है, मैं किसी गलत इरादे से नहीं आया था बल्कि भागता हुआ खुद को बचाते हुए इस मीनार पर आया था और तुम मिल गई। रपंजल उससे उस ताज के बारे में पूछती है। राइडर बताता है ये एक खूबसूरत राजकुमारी का था जो बचपन में ही उसे अगवा कर लिया गया था। फिर रपंजल राइडर से सौदा करती है कि राइडर उसे उड़ते हुए तारों को करीब से दिखाकर वापस मीनार में सही सलामत लाए तो उसे राजकुमारी का ताज वापस दे दिया जाएगा। राइडर कहता है ठीक है, सौदा पक्का हुआ और रपंजल राइडर पर भरोसा करके उसके साथ चली जाती है। पहली बार वो आजादी पाकर और दुनियावी चीजों को देखकर बहुत खुश होती है। दूसरी तरफ गोथल सिपाही का घोड़ा जंगल में देखती है तो उसे फौरन रपंजल का ख्याल आता है। वो वापस मीनार की तरफ भागती है और रपंजल को आवाज देती है, लेकिन रपंजल का कोई जवाब नहीं मिलता। वो मीनार के दरवाजे को खोलने लगती है, लेकिन मीनार में रपंजल नहीं होती। यहाँ राइडर और रपंजल इस बार में आते हैं। राइडर रपंजल को इतने बड़े और अजीब किस्म के लोगों को दिखाकर डराना चाहता था। वो चाहता था कि ऐसे लोगों को देखकर डर जाएगी और वापस चलने को कहेगी, लेकिन यहाँ राइडर खुद ही फंस जाता है क्योंकि इसके वांटेड के पोस्टर हर जगह लगे थे। कोई भी राइडर को पकड़कर राजा के सिपाही के हवाले करेगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। लालच में राइडर को पकड़ लेते हैं और उनमें से एक आदमी सिपाही को सूचित करने चला जाता है, लेकिन रपंजल उन भयानक दिखने वाले आदमियों से कहती है, मैं तो बस इस लड़के के साथ अपना सपना पूरा करने चली, ये लड़का मेरे सपने को पूरा करवा सकता है, इसे सिपाहियों के हवाले अभी मत करो। तुम सबको थोड़ा सा भी एहसास है कि जब कोई सपना पूरा होता है तो कैसा लगता है, क्या तुम लोगों का कोई सपना नहीं? सभी भावनात्मक हो जाते हैं और सब रपंजल के दोस्त बन जाते हैं और अपने अपने सपनों को गाते हुए बताते हैं, लेकिन तभी वहाँ राजा के सिपाही आ जाते हैं राइडर को गिरफ्तार करने और बार का एक आदमी खुफिया दरवाजे से रपंजल को अपना सपना पूरा करने के लिए दोनों को वहां से निकाल देता है। जब सिपाहियों को राइडर वहां नहीं मिलता तो एक राजा का बुद्धिमान घोड़ा उस खुफिया दरवाजे का पता लगा लेता है और सभी सिपाही उनके पीछे जाते हैं। वो दोनों वहां से खुद को बचाकर निकल जाते हैं, लेकिन पानी का बांध टूट जाता है और ये दोनों एक छोटे गुफा में आ जाते हैं और एक बड़े पत्थर से गुफा बंद हो जाता है और धीरे धीरे वो गुफा भी पानी से डूबने लगता है। अगर वो दोनों इस गुफा से बाहर नहीं निकले तो डूबकर मर जाएंगे। रपंजल राइडर से माफी मांगती है कि शायद उसकी वजह से राइडर यहां फंसा। फिर वो दोनों एक दूसरे को अपनी असली पहचान बताते हैं। राइडर उसे अपना असली नाम यूजीन बताता है और रपंजल बताती है कि मेरे बालों में शक्ति है। उसे आइडिया आता है रोशनी लाने की। रपंजल वही जादुई मंत्र गाने लगती है जिससे पूरी गुफा चमक जाती है और दोनों को बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है और वो पानी के बाहर आ जाते हैं और गोथल उस बार में आकर खुफिया दरवाजे का अंतिम भाग का पता लगाती है। वहां पहुंचती है तो उन दोनों के बजाय राइडर के दो दुश्मन मिलते हैं जो ताज लेने के लिए दोनों का पीछा कर रहे थे।
गोथल उन्हें ताज के साथ और लालच देती है कि इससे भी कीमती चीज है मेरे पास। राइडर का हाथ कट गया था और रेपंजल बालों को लपेट कर मंत्र पढ़ती है जिससे उसका हाथ बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये देखकर राइडर डर जाता है कि ये कोई चुड़ैल तो नहीं, ये मूवी का नहीं मेरा डायलॉग था। रेपंजल बताती है कि मेरे बालों में ऐसी शक्ति है कि किसी भी मरीज को ठीक कर सकता है। रेपंजल बताती है कि बचपन में मेरे बाल को किसी ने काटने की कोशिश की थी और बाल कटने के बाद वो काले रंग में बदल जाते हैं जिनमें कोई शक्ति नहीं होती, इसीलिए मेरी माँ कभी मीनार से मुझे नीचे उतरने नहीं दी। फिर यूजीन लकड़ी लेने चला जाता है और यूजीन के जाने के बाद गोथल वहाँ आ जाती है और रेपंजल से मिलकर उसे फिर से मीनार में चलने के लिए कहती है, लेकिन वापस मीनार में रेपंजल नहीं जाना चाहती और बताती है राइडर शायद मुझे चाहता है। फिर गोथल उसे राजकुमारी का ताज देती है और कहती है, तुम राइडर का इम्तिहान लो, वो तुम्हें इस ताज के लिए छोड़ देगा और फिर तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारी माँ सही थी। राजा का बुद्धिमान घोड़ा राइडर को पकड़ लेता है और घसीटते हुए ले जाता है। रेपंजल फौरन उसे रोकती है और कहती है, आज मेरा जन्मदिन है, आज इसे ना पकड़ो। घोड़ा उसकी बात मान जाता है और राइडर घोड़े की दोस्ती हो जाती है। रेपंजल उस राज्य में आकर बहुत खुश होती है और रात के समय वही लालटेन के आसमानों में जाने का इंतजार करती है जो उसका सपना था इन्हें करीब से देखना। राइडर वो ताज लेकर चला जाता है अपने दोस्तों को देने ताकि उसके बाद वो उनका पीछा न करे, लेकिन उसके हरामी दोस्त उसे पानी की छोटी जहाज पर बांध देते हैं और रेपंजल से कहते हैं राइडर वो राजकुमारी का ताज लेकर भाग गया और वो रेपंजल पर हमला करने वाले होते हैं कि गोथल उन्हें योजना के अनुसार पीट कर रेपंजल को बचा लेती है और उसे मीनार में लेकर चली जाती है। सिपाही देखते हैं कि नीचे कोई जहाज पर आया है, वो भी बंधा हुआ, और देखते हैं कि उसके हाथ में राजकुमारी का ताज भी है। वो राइडर को पकड़ लेते हैं और घोड़ा भी ये सब देख लेता है। राइडर के दोस्त भी जेल में बंद होते हैं। राइडर पूछता है कि रेपंजल कहाँ है। वो बताते हैं कि ये सब हमने उसकी माँ के कहने पर किया था। राइडर को समझ आता है कि रेपंजल खतरे में है और रेपंजल को भी सब याद आ जाता है कि उसके माँ बाप कौन है और गोथल उसका इस्तेमाल कर रही थी। और जेल में राइडर को बचाने के लिए उसी बार के हटे कट्टे लोग उसे बचाने आ जाते हैं जिसमें घोड़ा भी शामिल होता है। राइडर मीनार के ऊपर पहुंच जाता है और देखता है कि रेपंजल बंधी हुई है और गोथल उसे चाकू से मार देती है। गोथल रेपंजल को जबरदस्ती ले जाने लगती है और रेपंजल गोथल से कहती है, अगर तुम मुझे राइडर की जान बचाने दोगी तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूँ, और गोथल उसे छोड़ देती है। रेपंजल उसे बचाने के लिए आती है लेकिन राइडर उसके पूरे बाल काट देता है जिससे बालों की शक्तियाँ खत्म हो जाती है और गोथल फिर से बूढ़ी हो जाती है और बालों में अटक कर नीचे गिरकर मर जाती है, लेकिन राइडर की जैसे जान ही निकल जाती है। रेपंजल का एक आंसू उसके ऊपर गिरता है और फूल फिर से जाग उठता है। लौट आती है हजारों सालों की वो सारी शक्तियाँ और लौट आती है राइडर की जान उस आंसू के बदले, क्योंकि रेपंजल पूरी उस पुल की ही बनी हुई है। फिर रेपंजल जाती है उस महल में अपने माँ बाप से मिलने। वो रेपंजल को अपने गले से लगा लेते हैं और उसकी माँ यूजीन की तरफ हाथ बढ़ाती है। और इस मूवी में माँ बाप का खोया हुआ प्यार और चोर को किसी खजाने से कीमती लड़की का प्यार और एक गिरगिट और घोड़े की अच्छी दोस्ती के साथ ये मूवी खत्म होती है। वैसे आपका अच्छा दोस्त और सच्चा प्यार का क्या नाम है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इस वीडियो को बस एक लाइक कर दे। अगले संडे इससे अच्छी वीडियो आएगी तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए।